समूचे भारतवर्ष में लोग तपती गर्मी का सामना करते हुए बारिश की पहली फुहार यानी मॉनसून का इंतजार करते हैं। मॉनसून का पूरे देश में व्यापक असर होता है। देश की दो तिहाई आबादी कृषि पर निर्भर है। लिहाजा हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन के लिए मॉनसून काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मॉनसून भारी आपदा से भी जुड़ा है। जरूरत से ज्यादा बारिश बाढ़ लाती है, जबकि कम बारिश का मतलब है सूखा और किसानों की आत्महत्या। इस कड़ी में हम मॉनसून को जानेंगे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसकी अनियमितताओं का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं और कैसे इसकी विविधता आपदा की वजह बनती है। क्या मॉनसून सिर्फ भारत में ही होता है? साउथ एशिया राइट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू जापान अक्रॉस इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया एंड चाइना एवरीबडी एक्सपीरियंसेस मॉनसून। It is within the large scale embedded circulation. There are separate segments of monsoon. So Indian monsoon is one of the perhaps most stronger and spectacular one as compared to other segment of the monsoon. ये जानने के पहले कि मॉनसून भारत में कैसे आता है, पहले इसकी वैज्ञानिक उत्पत्ति को समझते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मॉनसून समुद्री हवा का मौसमी परिसंचरण है जो धरती तथा समुद्र के बीच तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। The word monsoon comes from the word mausam, which means season. And so the distinguishing attribute of the monsoon is large seasonal variation in wind and rain. आमतौर पर जमीन समुद्र की अपेक्षा में जल्द गर्म होती है। इससे जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न दबाव का केंद्र बनता है। उधर समुद्र के ऊपर ठंडी हवा में उच्च दबाव होता है। हवा उच्च से निम्न दबाव की ओर बहती है, यही आर्द्रता भरी हवा बादल बनती है। धरती से ऊपर उठी गर्म हवा समुद्र के ऊपर रिक्त स्थान को भरने के लिए समुद्र की ओर बहती है और इस प्रकार से ये चक्र पूरा होता है। अब इसका प्रायोगिक रूप देखते हैं। मॉनसून भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रभावी होता है। सामान्य हवाएं इस क्षेत्र में टकराती हैं और भूमध्य रेखा के चारों ओर कम दबाव का एक छोटा लो बैंड बनाती है, जिसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस क्षेत्र कहते हैं। मॉनसून इन फैक्ट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सीजनल वेरिएशन ऑफ दिस आईटीसीजी। सो इट कम्स टू विजिट अस एवरी समर from the southern hemispheric equatorial Indian Ocean where it is in the winter. यहाँ वास्तव में क्या होता है? गर्मियों में हिंद महासागर पर वायु का उच्च दबाव क्षेत्र बनता है, जबकि एशियाई महाद्वीप पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है। ऐसे में महासागर पर स्थित उच्च दबाव केंद्र से आर्द्र वायु दक्षिण एशिया में निम्न दबाव केंद्र की ओर बहती है। IMD में आंकड़ों के निरीक्षण और संग्रह करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें गुब्बारे, राडार और कई तरह के उपग्रह शामिल हैं। दरअसल विकासशील देशों में IMD पहला संस्थान है जिसके पास उपग्रहों का अपना नेटवर्क है। अब हम कुछ ऐसे कारकों के पीछे छिपे विज्ञान का पता लगाते हैं जिनके कारण भारतीय मॉनसून में विनाशकारी बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि एल नीनियो जलवायु का एक असामान्य स्वरूप है जो प्रशांत महासागर में 2 से 7 वर्षों में एक बार होता है। इसके कारण भूमध्य रेखा के आसपास का पानी गर्म हो जाता है। समुद्र की सतह पर चलने वाली तेज हवाओं के कारण गर्म पानी इंडोनेशिया की तरफ बढ़ता है। ऐसा होने पर दक्षिण अमेरिका के पास महासागरों में ठंडा पानी सतह की ओर आता है। हालांकि कभी कभी ये हवा सामान्य से कमजोर होती है और कभी कभी वे दूसरी ओर इंडोनेशिया की बजाय दक्षिण अमेरिका की तरफ बहने लगती है। उस स्थिति में भूमध्य रेखा के पास गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र के पास सतह पर एकत्र हो जाता है, यही एल नीनियो है।
लानिन्या एल निन्यो के विपरीत है। लानिन्या के दौरान भूमध्य रेखा से लगे उसी क्षेत्र में पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। पानी में इस परिवर्तन से इस क्षेत्र के अलावा दुनिया भर में मछली पकड़ने, बारिश और मौसम पर असर पड़ता है। हम जानते हैं कि एल निन्यो प्रभाव के समय पानी का तापमान 2 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ जाता है। एल निन्यो के दौरान जब पानी गर्म हो जाता है तो हमारे यहाँ मानसून कमजोर पड़ जाता है। IMD के एक आकलन के मुताबिक वर्ष 1880 और 2006 के बीच 18 एल निन्यो वर्ष आए। इनमें 7 वर्षों में कम बारिश तथा 5 वर्षों में सामान्य से कम वर्षा हुई। कई ऐसे भी कारक हैं जो देश में मानसून से पूर्व की गर्मी से लेकर मेडागास्कर पर उच्च दबाव पैदा करने वाले बदलावों का कारण बनते हैं। लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वापस आने पर हम मानसून के कारण होने वाली बाढ़ और सूखे के कारणों का पता लगाएंगे। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। मॉनसून को समझने के दौरान हमने देखा कि इसकी कमी या अधिकता से धरती पर किस तरह के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मॉनसून के दौरान बाढ़ एक आम घटना है। असम और बिहार जैसे कुछ राज्यों में ये लगभग हर साल मौत और विनाश की वजह बनती है। और कुछ वर्ष ऐसे भी होते हैं जब नुकसान काफी बड़े स्तर पर होता है, जैसे 2013 में उत्तराखंड की बारिश। बारिश के कारण सड़कें और पुल बह गए। भूस्खलनों से गांव के गांव, घर और कई समुदाय नष्ट हो गए। एक समुदाय पर तो इसका भारी असर पड़ा। ये लगभग 75,000 श्रद्धालुओं का जत्था था जो केदारनाथ की यात्रा पर था। भारी बारिश के कारण ग्लॉफ हो सकता है। ये ग्लेशियर झील के टूटने से आने वाली विनाशकारी बाढ़ है। केदारनाथ के ऊपर स्थित चोरोबारी ताल वाली ग्लेशियल झील के साथ भी यही हुआ था। झील के किनारे टूट गए जिससे पूरे क्षेत्र में जबरदस्त जल प्रवाह आया। ग्लॉफ में दशकों तक संग्रहित अरबों घन मीटर ग्लेशियल का पानी कुछ ही मिनटों में बाढ़ लाने में सक्षम है। इससे निचले इलाकों के लोगों को कोई पूर्व चेतावनी नहीं मिल पाती। इन सब का इंसानों और संपत्ति पर भारी असर पड़ता है। उस घटना में 10,000 से अधिक लोग मारे गए और 5,000 लापता हो गए। बीमा कंपनियों ने 2,500 करोड़ से अधिक की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया। अच्छी बात ये रही कि आपदा प्रबंधन तुरंत सक्रिय हो गया। NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने प्रभावित क्षेत्रों में 14 टीमें भेजी। इसके अलावा सेना, वायुसेना, नागरिक समाज संगठनों और कई अन्य निकायों ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बचाव और राहत अभियान के लिए काम किया। ये समझना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक से अधिक ये त्रासदी मानव निर्मित थी। अंधाधुंध शहरीकरण, बांधों और सड़कों के अनियंत्रित विकास से हमारे देश के कई क्षेत्र पारिस्थितिक लिहाज से संवेदनशील बन गए हैं। वर्ष 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ के पीछे भी यही कारण था। ये शहर इस कदर डूब गया कि आवागमन के लिए नावों का उपयोग किया गया। उस वर्ष बारिश बहुत अधिक हुई थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि यह बिना सोचे समझे अंधाधुंध निर्माण कार्यों का नतीजा था जिससे भारी नुकसान हुआ। पिछले 4 दशकों में चेन्नई के शहरीकरण में लगभग 20 गुना वृद्धि हुई है। शहर में गीले मैदानों और प्राकृतिक चैनलों का अभाव हो गया जिससे समतल क्षेत्र में बसे शहर का अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता था। ऐसे ही कुछ और कारण है। शहर का हवाई अड्डा आडयार नदी में आने वाली बाढ़ के इलाके में बना है। बाढ़ प्रभावित कोयम्बेडू में एक विशाल बस टर्मिनल बनाया गया है। पूरी बकिंगहम नहर पर एक मास्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया है और ऑटोमोबाइल और दूरसंचार के लिए नया औद्योगिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण जल निकासी क्षेत्र और कैचमेंट पर बना है। इन वजहों से मानसून से निपटने की शहर की प्राकृतिक व्यवस्था नष्ट हो गई है।
वर्ष 2015 में आई बाढ़ को टाला जा सकता था, जो वास्तव में गैर जिम्मेदार शहरी नियोजन के कारण आई थी। और हाल के वर्षों में केरल, कश्मीर और मुंबई में आई बाढ़ के लिए भी यही कारक जिम्मेदार है, और ये सिलसिला जारी है। अब इस विषय के दूसरे पहलू को देखते हैं, जो है अकाल। ऐसा तब होता है जब एक विस्तृत अवधि में बारिश कम होती है, जैसे कि एक पूरे मौसम में। माना जाता है कि सामान्य से 75% से कम बारिश होने पर सूखे या अकाल की स्थिति आती है। बारिश की कमी से सतह के पानी और भूजल स्तर में गंभीर रूप से कमी आ सकती है। अकाल वनस्पतियां, फसलों, जानवरों और किसानों को प्रभावित करता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश का कम होना एक आम बात है। इस क्षेत्र में औसतन शेष भारत की तुलना में 30% से कम बारिश होती है। It isn't as if you get drought every year in Marathwada. Marathwada doesn't get too much rain and it varies a great deal. So this has to be taken into account in our planning for the water resources in Marathwada. भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 1870 और 2015 के बीच इस क्षेत्र में 22 बार अकाल पड़ा है। जबकि शेष महाराष्ट्र में भारी बारिश होती है, तो यहाँ ये समस्या क्यों है? दरअसल ये क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। मानसून आने के बाद पूरे तटीय क्षेत्र में भारी बारिश होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट मानसून को आगे बढ़ने से रोकता है, लिहाजा मानसून के पश्चिम से पूर्व आते आते बारिश कम हो जाती है। इसी कारण मराठवाड़ा क्षेत्र में औसत बारिश 750 मिलीलीटर होती है। सूखे की तरह मानसून के बदलावों से भी सबसे अधिक किसान प्रभावित होता है। ब्रेक के बाद हम विज्ञान के उन तरीकों को देखेंगे जो किसानों की मदद कर सकते हैं। जिस देश में 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती हो, उस देश में मानसून में किसी भी प्रकार की भिन्नता का किसानों पर काफी असर पड़ता है। लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिससे किसान मानसून की इन अनियमितताओं का सामना कर सकता है। इसमें मृदा और जल संरक्षण एक बड़ा कदम है। तालाब, टंकियां और खाई इस अनुकूलन कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा है। इनमें कई भारत में पारंपरिक हैं और उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर्स जैसे आधुनिक सिंचाई प्रणालियों से जल प्रबंधन में भारी मदद मिलती है। इन दिनों किसान सुविधा, भुवन और इफको किसान जैसे ऐप्स किसानों को कई जानकारियां देते हैं। इनमें वास्तविक समय में मौसम का अपडेट भी शामिल है, जो किसानों को अपनी फसल तथा आजीविका बचाने में मदद करता है। अन्य प्रभावशाली कदमों में कई प्रकार की फसल उगाना शामिल है। चावल और गेहूं ऊंची कीमत पर बिकते हैं, लेकिन इन फसलों में पानी ज्यादा लगता है, जो भूजल में कमी का एक बड़ा कारण है। किसानों को विभिन्न किस्मों की फसल उगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे बाजरा, जिसकी खेती कम समय में हो सकती है। सूखे या बाढ़ से निपटने के लिए इन दिनों विशेष रूप से फसल की किस्में विकसित की गई हैं। हमने नई दिल्ली के राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान में डॉक्टर देबाशीष चट्टोपाध्याय से मुलाकात की, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अनुकूल काबुली चने और टमाटर की किस्में विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ वैज्ञानिकों ने पौधे की जड़ की लंबाई बढ़ाने के तरीके विकसित किए हैं, जो नमी के लिए जमीन में गहराई तक जाती है। ये कार्य कैसे किया गया? काफी आसानी से। वैज्ञानिकों ने लंबी जड़ों के लिए उत्तरदायी जीन को अलग किया, फिर उन्होंने इसे काबुली चने के जीनोम में डाला, जिससे नई किस्म विकसित की गई, जिसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा सकती हैं। ये किस्म सूखे की स्थिति के अनुकूल है और उपज भी अच्छी देती है। ऐसे परिवर्तन सभी प्रकार के पौधों में किए गए हैं और उन्हें उन स्थितियों के अनुरूप बनाया गया जिससे किसान बारिश की अनियमितताओं का सामना कर सके। जिन
जिन स्थानों में बारिश कम होती है उन स्थानों के लिए विज्ञान ने अन्य उपाय भी किए हैं, जैसे क्लाउड सीडिंग। पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक ऐसे शोध कर रहे हैं जिससे क्लाउड सीडिंग एक विकल्प बन सके। अब बादलों में सिल्वर आयोडाइड एरोसोल या शुष्क बर्फ जैसे पदार्थों को फैलाने पर विचार किया जा रहा है। इन रसायनों से न्यूक्लिएशन होता है, जिसका अर्थ है कि हवा में पानी के कण इनके आसपास संग्रहित हो जाते हैं, जिससे वर्षा होती है। यहाँ विशेषज्ञों ने वास्तविक सीडिंग प्रक्रिया की तैयारी में तरल जल सामग्री जैसे कई मानकों को समझने के लिए बादलों का अध्ययन किया है। The research aircraft, which is equipped with many more instrumentation, which will go at different levels in the cloud and look at it, how it is growing, whether the precipitation particles are present. We have also probes on the aircraft that can measure the precipitation particles. And then the radar at the ground will be monitoring the surface, how much is received at the surface. Rain is formed in the cloud, but it has to reach the surface in order to have efficacy of the seeding. हमने मॉनसून के पीछे छिपे विज्ञान से इसकी अनिश्चितताओं को जाना। इनसे यही पता चलता है कि बारिश जीवन देती है और उसे बनाए रखती है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम अपनी भूमि, पृथ्वी और जल संसाधनों का प्रबंधन कैसे करें, ताकि हम बारिश की अनियमितताओं से निपटने के लिए बेहतरीन योजना बना सके।